वालेकुम। ये देखिए भाई, हमारी टिक्का बिरयानी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। ये हमारे धनिया पुदीने का जो वो रायता, और देखिए मज़ेदार सी हमारी लुक वाइज। देखिए ये हमारी टिक्का बिरयानी। वालेकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? आए आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारा सुबह का नाश्ता हो रहा है, और वो भी खारों से, क्योंकि परांठे वगैरह मैंने नहीं बनाए थे। मैंने बोला अभी ये भाई खारे वगैरह ही खा लेते हैं, फिर देखते हैं क्या बनाते हैं। और फिर और रखी हुई है ना, कब बनाएंगे? देखते सालन हैं बना क्या लेंगे। बनाएंगे क्या नहीं, तो आपसे शेयर करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और ये भी कुछ कह रहे हैं, क्या बोल रहे हो आप? बोलो। कुछ नहीं, नहीं कुछ कह रहे थे। क्या बातें क्या कर रहे हैं पापा से? अजान, और अजान कल अजान की नात जो है ना पढ़ी उन्होंने, अजान की पसंदीदा। और इतना अजान माशाल्लाह से, इतना अजान झूम रहा था, पर ये कि रो रहा था, बैठ नहीं रहा था वहां पर उनके पास, उनसे डर रहा था। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, और आप लोग साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। देखते हैं अभी शाम में क्या बनाऊंगी। रानी भी घंटी रखी हुई का है, बटन दबा दे। रानी भी रखी हुई है, या रानों का कुछ बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप सबसे शेयर कर देंगे। गाइस, लोगों का तो जन्नत अपना कभी ख़त्म हो गई नहीं। हम लोगों से तो फिर लोगों को जलने दो, और हम जो है ना खा रहे हैं किनू। आप लोगों ने भी खाने हैं तो आ जाए हमारे साथ खाएं। और यहाँ पर बराबर में हमारे शादियाँ हैं, और यहाँ पर देखिए मेरी चूड़ियाँ कितनी चमक रही है। लेकिन लोग जो है ना जलना तपना नहीं छोड़ते हैं फायदे से। वो इसलिए कि लोगों को लगता है जैसे कि उनके व्लॉग्स बनाने के लिए हम बैठे हुए हैं। भाई हम अपनी दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं, और हम अपना स्ट्रगल कर रहे हैं। आप लोगों की एक वीडियो बना के कोई नहीं, हमने वायरल हो जाना है। सही है अजान, और यहाँ पर हमारे अजान को लोग पसंद करते हैं, हमारे अजान की वीडियो को पसंद करते हैं, हमारे अजान के को देखने के लिए लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं कि भाई आप अजान के व्लॉग्स बनाएं, अजान के व्लॉग्स बनाएं। अजान जो है ना, नखरे नहीं ख़त्म होते अजान के। तो अजान आप क्या खा रहे हो बिट्टू? अजान को भी मैंने किनू दे दिया है, और अभी देखते हैं अजान खाते हैं या नहीं खाते। तो मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और अजान ने देखिए शूज़ निकाल के यहाँ पे रखे हैं, मैं खुद ने वहाँ बैठ के किनू खा रहे हैं। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद आप लोगों से, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। देखिए हमारे पास रानी रखी हुई थी, और अब भी हम बनाएंगे चिकन टिक्का, और साथ में बनाएंगे पुलाव। और ये चिकन मैं पुलाव में डालूंगी। तो अभी हम लोग चिकन टिक्का भी बनाएंगे, और अयान जो है ना पकोड़े भी लेकर आए हैं। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आज बारिशें भी आई थी सुबह सुबह। तो अभी हम खाते हैं पकोड़े, बूंदे और ये मेरे बच्चे भी बैठ चुके हैं। हम बूंदे आई थी, बारिश आई थी, मैं अजान भी बैठ गए हैं। दूध अच्छा ये रख कर आओ दूध सोदा 1 मिनट, और ये फ्रिज में रखो चिकन, कभी बिल्ली पूर आ जाए एकदम से। और ये भी अभी मैंने जो है ना वो फ्रिज से निकाल के रख दी है चिकन, थोड़ी सी वो हो जाए ना, वो पुराने बर्फ हो रही है ना। तो अभी खाते हैं पकौड़ियाँ हम, और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। यहाँ पर मैंने चिकन ले ली है, ये लेग पीस, और मैं इस पे कट लगा दूंगी, और मैं इसको मैरिनेट करके रखूंगी। हम टिक्का बिरयानी बना रहे हैं, तो फिर हम इसको पहले थोड़ा सा जो है ना ऐसे मतलब करेंगे मैरिनेट। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगी इसके अंदर, और इसको अच्छे तरीके से हम इसकी हड्डी तलक इसको मैरिनेट करेंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। तो हमारी चिकन टिक्का बिरयानी के लिए जो है ना हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारी चिकन टिक्का बिरयानी कैसी बन रही है। तो यहाँ पर मैंने अभी ये भी थोड़ा सा जो है ना मैं इसको भी डाल के इनको भी मैरिनेट करूँगी। तो हम इसको मैरिनेट करेंगे, इसमें हम डालेंगे दही और अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालेंगे। ये देखिए मैंने ये रखा हुआ है, अभी आयान लहसुन जो है ना छिला हुआ लेकर आ गया था, तो वो मुझे सही नहीं लगता, तो इसलिए मैंने वो वापस भेजा। दही डाल दूंगी मैं इसके अंदर ये, और इसको 1 घंटा मैरिनेट होने देंगे।
चिकन का ये मसाला है, मतलब टिक्के का, ये डालेंगे। ये हमारे पास है चिली सॉस, सोया सॉस सिरका, ये भी डालेंगे। तो इसमें मैं ये जितना है सारा डाल दूंगी। यहाँ सिरका भी डालूंगी। घर के मसाले भी डालेंगे। नमक ऑलरेडी इसमें होता है तो मैं थोड़ा डालूंगी नमक, मसाले में होता है ना। थोड़ी सी डालेंगे हल्दी। और सब कुछ इसमें होता ही है, मतलब टिक्के मसाले में ऑलरेडी सब चीजें होती हैं, तो जरूरत नहीं है कि जीरा अलग से हो, ये वो, इसमें हर चीज होती है। थोड़ा सा जर्दे का कलर जो है ना वो भी डालेंगे। जर्दी का रंग पता नहीं कहाँ चला गया, नहीं मिला। यार मिल गया। ये बच्चे ना कहीं चीजें डाल देते हैं, तो ये देखिए कलर डालेंगे इसमें। और करेंगे इसको मिक्स। तो जब तक मैं अपने जैसे प्याज वगैरह काटूंगी और ये चीज़ें मैं वो करूँगी ना, जब तक हम ये इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे 2 घंटे तक। उससे थोड़ी देर बाद फाइनली फ्रेंड्स मैंने इसमें अदरक लहसुन ये देखिए थोड़ा सा फ्रेश कर लिया था और ये इसमें मैंने डाल दिया था। और अभी मैंने कढ़ाई रख ली है और अभी मैं इसको करूँगी पहले तो फ्राई, फिर इसमें जो है ना कोयले की हम स्टीम भी देंगे और साथ ही साथ मैं बनाऊंगी फिर बिरयानी। तो आप लोग देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर। अभी इसको हो गया है पूरा 1.5 घंटा और अब मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ टिक्कों को। ठीक है, तो इसमें ये थोड़ा खुश्क हो गया, पानी सूख गया, मैंने तो हम डालेंगे ऑयल। तो अभी बिल्कुल कढ़ाई सूख गई है और अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल। तो थोड़ा ऑयल हम ज़्यादा ही डालेंगे, फिर इसको सेपरेट कर लेंगे, वापस से निकाल लेंगे अगर हमें लगेगा कि ज़्यादा है या कम है। तो हम पहले टिक्कों को फ्राई करेंगे और फिर बाद में बनाएंगे बिरयानी, और फिर दिखाती हूँ बताती हूँ आप लोगों को किस तरह से मैं टिक्का बिरयानी बनाती हूँ। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ मैं भी, क्योंकि मैंने रेसिपी देखी है। तो ये हमारे चावल अभी रखे हुए हैं, इसको रखे रहने देंगे, पहले करेंगे टिक्के फ्राई। यहाँ पर हमारे पास टमाटर है, मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी हुई मिर्ची है, नमक ये मैंने इसमें डाल लिया है, और ये मेरे पास प्याज है मीडियम साइज़ की, और ये मैंने आलू भी रख लिया है क्योंकि बच्चे तो आलू भी मांगते हैं। और ये है जी हमारे, ये है जी हमारा जो है ना चिकन मैरिनेट किया हुआ। तो अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके डालती हूँ।
यहाँ पर अभी मैंने वो पतीला खाली कर लिया है। ये इस पतीले में अभी है चिकन, तो हाफ मैंने इसमें सिर्फ चार जो लेग पीस थे वही डाले, क्योंकि कढ़ाई छोटी है, तो इसीलिए इसको हम है ना हाफ करके फ्राई करेंगे। और अभी ये देखिए, और लाइट चली गई थी, तो ये मोबाइल की टॉर्च वगैरह से ही बना रहे हैं। तो यहाँ पर अभी टिक्के हमारे बन रहे हैं अभी, और अभी ये जो है ना फ्राई हो रहा है। और यहाँ पर मैंने प्याज चूल्हे पे रख दी है ब्राउन होने के लिए, तो फिर हम डालेंगे वो अपना मसाला, साथ में ये आलू डाल दूँगी फ्राई करूँगी, और अभी चावल को भी निकाल लेती हूँ जी। तो भैया यहाँ पर मैंने चावल अपने रख लिए हैं, प्याज ब्राउन हो रही है, और बच्चे मुझे तंग कर रहे थे इसलिए थोड़ी डार्क हो गई, वरना आप लोगों ने लाइट सी करनी है। और अगर आप चाहें तो आप इसको जो है ना अखबार पे निकाल के और जो है ना इस तरीके से रख सकती हैं, ब्राउन प्याज को लास्ट में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने फिर मसाला भुनना था तो प्याज टमाटर और आलू साथ में ये सब चीज़ें डाल के मैं इनको अच्छी तरीके से मसाले को भूनूंगी और इसका थोड़ा पानी ड्राई करूंगी, और उसके बाद मैं इसमें अपने जो है ना राइस डालूंगी और फिर साथ में टिक्के भी दम पर डालेंगे। अभी टिक्के हमारे जो है ना फ्राई हो रहे हैं, तो अब आलू और टमाटर प्याज ये सब चीज़ें जो है ना मेरी मैंने रख दी थी, और एक साथ ही मैं इनको भून लूँगी मसाले को। और यहाँ पर बस मैंने ऑयल निकाल लिया, देखिए चिकन टिक्के भी हमारे फ्राई हो ही रहे हैं, और साथ में मैं अभी इसको कोयले की स्मोकिंग मतलब लगाऊंगी। तो आप लोगों ने साथ ही बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप लोग सबसे पहले हमारी वीडियो पर आ सकें। और देखिए कोयला इधर से उधर घूमता रहेगा, और मैं जो है ना इस कोयले को रख के ही बाज आऊँगी, क्योंकि कोयले और मिल नहीं रहे और ना ही अयान मुझे ला के दे रहे थे और कोयला, तो इस वजह से मुझे ये चिन्ने मिलने से ही लगाने पड़े। और जी यहाँ पर बस हमारे राइस मैंने भिगोए हुए थे, और अभी मैं इसको धो के मैंने रख चुकी थी, और अभी मैं इसको डाल दूँगी अपने जो है ना पतीली के अंदर, जो मैंने चावल बनाए हैं पुलाव मकसद वो सॉरी बिरयानी, आलू की बिरयानी। और यहाँ पर अब मैं इसको जो है ना स्मोकिंग लगा के, पहले मैंने सोचा ही छोटा ढक्कन इस पर आ जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि ये इस पर नहीं आया, तो फिर मैंने एक और इस पर ढक दिया इस तरीके से। तो बस यहाँ पर खुशबू इतने मज़ेदार आ रही थी, और इतने स्पाइसी और इतने मज़ेदार से यम्मी से हमारे टिक्के बन के फ्राई हुए थे, और मेरे बच्चे तो मांग रहे थे कि मम्मा ऐसे ही दे दो हमें खाने के लिए, लेकिन मुझे जो है ना टिक्का बिरयानी बनानी थी तो मैंने इनको नहीं दी। और अयान के बाबा ने भी जब टिक्का बिरयानी खाई तो इन्होंने बहुत तारीफ़ की, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी थी, आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत मज़ेदार बनेगी और इतनी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है बनाना। बस थोड़ी मुश्किल इस बात में हुई कि टिक्के फ्राई किए, डबल मेहनत हो गई थी, जैसे कि हम कोरमे वाली बिरयानी बनाते हैं, पहले कोरमा बनाते हैं फिर चावल बॉईल करते हैं, ये वो, बस ये थोड़ी मेहनत हो जाती है। इसी तरह इसी में पहले मैंने टिक्कों को फ्राई किया, फिर उसको मैरिनेट किया, मैं 5 बजे लगी थी शाम के, और मैं इसको बना के 8:30 बजे फ्री हुई थी, फिर खाया खाना और फिर चाय वगैरह पी, तो मुझे इस तरह से 9:30 ही बज चुके थे, क्योंकि इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा हुई है, लेकिन मज़ेदार बहुत बनी, बहुत मज़ेदार बनी थी। और यहाँ पर मैंने टिक्के भी रख दिए, और साथ में मैंने बोटियाँ जो थी टिक्कों की वो भी मैंने रख दी थी, और एक पाव मैंने चिकन मंगाया था, और साथ में राने थी, राने अयान के बाबा लेकर आए थे 2-3 दिन पहले, तो वो ही मैंने फिर टिक्के भी बना लिए साथ में, फिर मैंने सोचा बिरयानी भी बना लूँ, क्योंकि टिक्के बना लेंगे तो फिर यही टेंशन लगी रहेगी कि रात के खाने में क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने सोचा कि टिक्का बिरयानी ही बना लूँ, रात में खाने में भी हो जाएगी और हमारे टिक्के भी बन जाएंगे। तो हमने 1-2 टिक्के वैसे ही खा लिए थे, और बच्चों ने जो है ना छोटी छोटी बोटियाँ बिरयानी के साथ खा ली थी, बड़े ही मज़ेदार बनी थी, और बड़े ही मज़ेदार से हमारा खाना बन के तैयार हुआ था ये।
और अब मैंने इसमें थोड़ा सा ये धनिया भी डाल दिया, और धनिया की मैं चटनी भी बनाऊंगी, रायता मतलब। देखिएगा आगे चल के आप लोगों को रायते की भी मैं दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से रायता बनाया था, और इतना मज़ेदार सा रायता बना था, इतना झटपट सा बन गया था। और कुछ लोग जो है ना यही सोच रहे होते हैं कि भाई हमारे व्लॉग हमारी वीडियो बना लेंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो मैंने कल भी आप सबको बताया है कि भाई किसी की वीडियो बनाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और अपनी मेहनत खुद करनी पड़ती है। और मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरा दिल है, मेरा शौक है, तो मेरे बहनें या मेरे बहनोई या मेरे भाइयों को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये वीडियो बनाना ये वो, लेकिन मैं बनाती हूँ तो ये मेरा अपना लाइफ है, क्योंकि शादी के बाद मेरे हस्बैंड की इजाज़त है तो मैं बनाती हूँ। और जिन लड़कियों में टैलेंट होता है तो वो अपना टैलेंट अगर कुछ दिखा रही हैं और कुछ कर रही हैं, तो इसमें आप लोगों को चिढ़ने में क्या मतलब प्रॉब्लम है, या फिर क्यों आप लोग किसी से जलते हैं चिढ़ते हैं, तो ये चिढ़ना छोड़िए, जलना छोड़िए, सब कुछ यहीं का यहीं रखा रह जाएगा। दुनिया से आप लोगों ने कुछ नहीं लेके जाना है, सिर्फ लोगों से हसद करना छोड़िए और आगे बढ़िए। तो मेरे भाई और मेरी बहनें तो माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है अपने घरों में बहुत खुश हैं, उनको कोई मतलब ये मसला नहीं है कि उन्हें वीडियो बनाना ये वो, उनको ना ही आता है ना ही वो कभी करते हो, यहाँ तक कि वो अपने स्टेटस तक नहीं लगाते। हम लोगों में भी ये परमिशन नहीं थी, हमने तो शादी से पहले वाईफाई भी यूज़ नहीं किया था, ना ही हमारे पास टच मोबाइल थे। और आजकल की बेटियाँ और यहाँ कराची में तो इतनी इतनी सी लड़कियाँ टिकटॉकें बनाती हैं, वीडियो बनाती हैं अपनी, और वाईफाई लगा हुआ होता है, सब कुछ चला रही होती हैं वो, तो फिर भी उनके घर वाले उनको इजाज़त दे रहे होते हैं, हमें तो इतनी भी इजाज़त नहीं थी। तो बस अपना अपना तरीका है, अपना अपना रूल्स है। मैंने वाईफाई लगवाया तो मैं सोचती हूँ कि मैं कामयाब हो जाऊँ और मैं कुछ करके दिखाऊँ, और मेरे अंदर जो टैलेंट है वो मैं दिखाऊँ अपना, लोगों तक पहुँचाऊँ, और यही टैलेंट है हमारे अंदर तो हम दिखाएंगे। तो इसमें ना किसी से चिढ़ने की ज़रूरत है, ना ही किसी से जलने की। अगर आप लोगों का भी दिल चाहता है इस तरह अपना टैलेंट दिखाने का और आगे कुछ करने का, बढ़ने का, अपना फ्यूचर अच्छा बनाने का अपने बच्चों का, तो आप लोग कर सकते हैं, वरना हर किसी में ये बात नहीं होती, और हर कोई इस तरह चैनल पर काम नहीं कर सकता। ये ना ही कोई हलवा है, ना ही ये कोई इतना आसान है, इतनी मेहनत होती है इसमें, दिन रात एक करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, हस्बैंड की अगर सपोर्ट हो तो आगे इंसान जाता है, वरना कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड मतलब बिल्कुल भी मतलब खुश नहीं थे पहले, तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप मुझे परमिशन दें, मैं मेरे अंदर जो टैलेंट है मैं वो दिखाना चाहती हूँ, लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, तो ही उन्होंने मुझे इजाज़त दी। और ना कि हम अपनी आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, और तो जाहिर सी बात है जब टैलेंट दिखाएंगे तो खुद को भी शो करना पड़ेगा। और ये हम लोग ऐसे नहीं दिखा रहे कि हमें अपने आप को फेमस करना है, हम सिर्फ टैलेंट को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो आप लोग हमारा साथ दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और अब बनाऊंगी मैं चाय और पीऊंगी चाय। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। लोगों को का तो जलना तपना कभी ख़त्म ही नहीं होता है।